बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबन हफ्जा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे कि देसी मुर्गा बनाते हैं ना हम गाँव में, मेरी अम्मी बनाती थी, वैसे ही मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी दे रही हूँ। तो ये मसाले इतने ज़्यादा नहीं डलेंगे, थोड़े से मसाले डलेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आज मैं आपको बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं और दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार चिकन। ये चिकन मैंने आधा किलो लिया है और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्ची है, एक दो प्याज लिए हैं, एक छोटे साइज का टमाटर लिया है और हरा धनिया जाएगा और थोड़ा सा पानी लेंगे। और इसमें जो मसाले जाएंगे, नमक जाएगा, मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा। ये मैं ग्रेवी वाला चिकन बनाने लगी हूँ, बहुत ही मज़े का बनेगा। जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना, मैं वैसे बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम चिकन को तेल में निकाल लेंगे। ये मैंने धो लिया था। ये ना गाँव में जब देसी मुर्गी पकाते हैं ना, तो या छोटा गोश्त, तो ऐसे बनाते हैं, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी। है तो नहीं देसी मुर्गी, पर चिकन है मैं वैसे बनाऊंगी। ये मैं साथ ही टमाटर है प्याज डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, हरी मिर्ची भी साथ और टमाटर। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। नमक अब डाल दूंगी, फिर नहीं मैं इस्तेमाल करूंगी। एक चम्मच के करीब मैं नमक इसमें डाल दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें घुल मिल जाएगा। और आधा ग्लास पानी डालूंगी ताकि ये गल जाए। दूसरे मसाले जब मैं भूनने लगूंगी तब डालूंगी। मैं सिलेंडर जला दूँ। अब इसको डाल देंगे, 5-10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। जैसे पानी खुश्क होगा फिर हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे और ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे और चिकन तैयार हो जाएगा। हांडी मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है। अब मैं पास ना आटा गूंद लूँगी ताकि जैसे ही हांडी बने साथ रोटियाँ बना के ना फिर इनको दूँगी। तो इसमें लगा मैं आटा गूंद लेती हूँ। इसमें डाल दी, आप सोच रहे होंगे कि इतना कम आटा ले रही है, बस मेरी फैमिली छोटी है इसलिए मैं थोड़ा ले रही हूँ, जितनी ज़रूरत है। बच्चे ज़्यादा शौक से चावल खाते हैं, रोटी वो कम कम खाते हैं। 2-3 दिन हो गए थे चावल बनाते हुए, आज मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ चिकन और रोटी शेयर करती हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो पूरी फुल देखा कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो फुल देखते हैं। ये आटा मैंने गूंद लिया। पंजाबी में जैसे कहते हैं आटा विस्मेगा तो रोटी पकेगी, उन्हें आटा विस्मेगा तो ऐसी रोटी बनावाएंगे। और अब चेक कर लेते हैं हमारा चिकन कैसा हुआ है, गल गया है कि नहीं। देखो पानी काफी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें साथ ही नमक और मिर्ची हल्दी वगैरह डालेंगे ताकि वो भी साथ। फिर हम ऑयल डालेंगे। नमक मैंने पहले डाल दिया था, अब हम मिर्ची डालेंगे। ये देखिए एक चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, सूखा धनिया और ज़ीरा। गरम मसाला जब मैं धनिया डालूंगी ना तो फिर साथ डालूंगी। पानी खुश्क हो गया है। ऑयल आपने अपने हिसाब से डालना है ताकि स्मेल ना आए। नमक डाल के मैंने जब गोश्त को ये समझ लिया तो उबाला है, साथ ही इसके प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च डाल दी थी। चिकन इतना प्यारा कर लिया है। अब सिर्फ हमने भूनना है थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ग्रेवी बन जाएगी और उतार लेंगे हरा धनिया डाल के।
अब मैं इसको भून रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये भूनता जाता है फिर मैं आपको दिखाती जाऊँगी और साथ फिर पानी ऐड कर देंगे और हरा धनिया और गरम मसाला। उबाल आएगा तो नीचे उतार देंगे, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। इस तरह का गोश्त हो ना तो खाने में मज़ा आता है, थोड़ा सा ये नरम सा हो। मेरे मियाँ को पसंद भी वैसे नरम सा है कि ये गल अच्छे तरीके से गया हो, चाहे बड़ा है चाहे छोटा हो या कि चिकन ही क्यों ना हो, इन्हें पसंद ही ऐसा है, मैं इसलिए ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है चिकन में, अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ये देखिए मैं पानी डालने लगी हूँ। आप लोगों की मर्जी है, अगर ज़्यादा फैमिली है तो ज़्यादा पानी कर लें, चिकन अगर 1 किलो है तो उसमें 2 गिलास चाहिए पानी, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं या शोरबा चाहते हैं। मैंने 1 गिलास पानी डाला है छोटे वाला, ये वाला डाला है। जैसे उबाल आता है फिर मैं इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डालूँगी और ये चिकन तैयार हो जाएगा। उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे और इसे कवर कर देंगे ढक्कन के साथ। आप देख लेते हैं, ये देखिए चिकन को उबाल आ गया। अब मैं इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँ, ज़्यादा नहीं गरम मसाला डालूँ। पापा अब ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा सालन तैयार हो गया है। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और रोटी के साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा बना है। हो गया जी हमारा, बन गया चिकन और रोटी। ये मैंने ग्रेवी वाला चिकन बनाया है शोरबे वाला, अब ग्रेवी वाला भी कह सकते हैं शोरबे वाला भी, और ये रोटी साथ नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में फैमिली मेम्बर के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सालन कैसा बना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो फुल देखा कीजिए। ये आपसे मैं बार बार कहती हूँ इसलिए आप कहते होंगे आप ही को पता नहीं क्या हो गया बार बार यही कहती है, क्योंकि आप मैं बड़े प्यार से आप लोगों के लिए बनाती हूँ और आप लोग भी प्यार से देखा कीजिए। फुल वीडियो देख लें, 2-3 मिनट की तो होती है, आप देख लें। इजाज़त दें तो हमें याद रखना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।